शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सुनो ना, व्हाट? ये दिल मांगे मोर इतना रोमांस करने के बाद भी मन नहीं भरा। जा, what's wrong? चलो ना। जा। आज फिर से एक बार गुनाह कर लेते हैं। Stop it, जा। What rubbish, जा। अरे वो सॉरी, थोड़ा सा जज्बाती हो गए थे। तुमसे एक ब्रश तक तो संभाला नहीं जाता, लड़की क्या संभालोगी यार? नहीं, वो तुम्हारा वेट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे तो। मैं मोटी दिखती हूँ तुम्हें? हाँ? Stupid you are. पेंटर तो बन नहीं पाए हैं, खाके बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। कामिनी, आई एम कमिंग बेबी, आर यू लिसनिंग? मेरे हाथ से फिर से एक अजूबा बन गया। कलर्स का क्या इस्तेमाल किया है मैंने? झा, जस्ट लुक एट इट। झा, झा। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? बन गई क्या? ड्रामे बंद करो, नहीं दिखानी मुझे तुम्हें अपनी पेंटिंग। जब तक वो सोते रहते हो, व्हाट द हेल यार? अरे क्या हो गया यार? अरे आंख ही तो लग गई थी। जब देखो बक 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 बकाओ बकाओ बक पक 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 पकाओ पक 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 पकाओ पकाओ पक 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 पक। मत कर यार, फालतू मेरी डेट करके रखा है। अरे तो चिल्ला क्यों रही हो यार? सो ही तो रहे थे, कोई क्राइम थोड़ा ना किए हैं। सोने के अलावा कुछ आता है तुम्हें? और मुझे तो लगता है कि उल्लू के काटे की वजह से तुम्हारी आंखों पर नहीं तुम्हारे दिमाग पर भी असर हो गया। उल्लू के बारे में कुछ कहा ना, जाओ ढूंढो उस उल्लू को और पैर धो के पानी पियो उसका। उसी की वजह से इतनी बड़ी पेंटर बनी हूँ मैं, घर चलता है ये। पेंटर, बड़ी पेंटर। बुरा लग रहा है, दुनिया तुम्हें नहीं मुझे जानती है इसलिए। देखो तुम हमारे अंदर के पेंटर को गाली दे रही हो। तुम्हारे अंदर पेंटर नहीं छुपा है, एक हवस का पैंथर है। गलती से अगर तुम्हारी एग्जीबिशन लगी ना आर्ट गैलरी के बाहर, पता है बोर्ड क्या लगा होगा? ओनली फॉर एडल्ट्स। हमारी बात सुनो पिकासो की पोती, हमें तो लगता है तुम्हारे दोनों हाथ काट देने चाहिए। क्या अजूबे बनाती हो ना, तो अजूबे बनाने वालों के तो हाथ कटवा दिए जाते हैं, जैसे ताजमहल बनाने वालों के औरंगजेब ने हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने। हाँ, एक ही बात है, दोनों एक ही खानदान से थे ना। बुलाएं बुलाएं दिल्ली 6 के औरंगजेब को, कटवाएं तुम्हारे हाथ ताकि हनुमान मंदिर के बाहर चश्मे वाली लूली बन के भीख मांग सको। दे दो, दे दो, हेलो। ये झांसी की रानी वाली आवाज में क्यों बोल रही हो? अपने दोस्त से पूछो। हमसे क्यों पूछवा रही हो, सच सच बताओ ना। You started it. अरे हमें अब्यूज किसने किया था? अब्यूज? Guys, guys, relax. कल शाम को हमारे आर्ट कॉलेज का ओल्ड स्टूडेंट्स मीट है। 4 साल के बाद हो रहा है, कुछ प्लान करो यार, मस्ती करते हैं। तब तक तुम लोग सीज फायर कर लो, और इस फंक्शन के बाद मैं तुम दोनों को बारी बारी से याद दिला दूंगा कि तुम लोगों को लड़ना है। यार तेरे चक्कर में ना हमेशा मैं पॉइंट भूलती हूँ, मानो। इतनी भुलक्कड़ नहीं है तू। ओके ओके ओके, इस बार मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। अच्छा कामिनी, तुमने उसे लास्ट में क्या कहा, मतलब मेरा फोन आने से पहले? बोलना, बोल, चुप क्यों हो गई? बोलना, बोल। हाँ, डरती मैं तेरे दोस्त से। बोलना। मैंने कहा था शट द फक यू। देखे, सुने। बहुत अच्छे, गुड पॉइंट। हाँ, और तुम राजन, तुमने क्या कहा? अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं था यार। हाँ, कहने वाला तो था ना। बेचारे ने कुछ कहा तो नहीं ना। मानव, दोस्त की तरफदारी करना बंद करो, मुझे पता है ये जरूर मुझे कहता। ओके, गुड पॉइंट। तो मैं तुम दोनों को बारी बारी से याद दिला दूंगा कि तुम दोनों को लड़ना है। राइट अब तुम लोग एक काम करो, कुछ प्लानिंग व्लानिंग करो, कल मस्ती करते हैं। चलो बाय। सुनो क्या है? बीच। हाँ? हाँ? बीच, यहाँ दिल्ली में तुम बीच ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं, वही वो जो तुम मानव को कह रही थी, जो हम कहने वाले थे, हमने कहा नहीं था, वही वाला। ओ क्या ये होस्ट होने वाला जोश सिर्फ कला ही दे सकती है। एक बार बचपन में कला के नाम से मेरे रोंगटे खड़े हो, यकीन जानिए तब से अब तक वो रोंगटे खड़े के खड़े ही। ये गेंडा तो कला की लेके रहेगा। कुछ रोंगटे तो बढ़कर बाल बन। हेलो भाई, छोटे ये दरवाजा बंद कर देंगे, कानों में से खून निकलना बाकी रह गया, बंद कर दीजिए प्लीज। प्लीज रहने दो, जस्ट किडिंग। ये गेंडा इतना पुराना हो गया, लेकिन 15 साल से इसके भाषण में फुचका पर कामा तक नहीं बदला है।
बल्कि कॉलेजेस चेंज सो मच ना, हमारे टाइम कितना अच्छा होता था। अब तो बाबा जी का कैंटीन में बार काउंटर खोल दिए हैं, जुड़ना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट जो हैं दो बूंद लिए और एक कलर को छह कलर समझ ले। मैंने सुना है इस साल ये गेंडा रिटायर होने वाला है। अरे रिटायर विटायर कुछ नहीं होने वाला, गेंडा जाएगा अंडा बिठा जाएगा पूरी तरह जुड़ा हुआ। अरे मतलब कि अपने किसी चेले चपाटे को बिठा जाएगा। हाय एवरीबॉडी, ये शिवाल को तो रॉकस्टार बना हुआ है। इसी की कमी रह गई थी, दूसरों की पेंटिंग पे अपना नाम छाप के बेच देता है, पैसा भी कमाता है और बड़ा पेंटर भी कहलाता है। तैनात हो जाओ कामिनी। हाय हे राजन, हेलो। तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। कामिनी से ही बात कर लीजिए ना, जाओ तुम दोनों से बात करनी है। कम ऑन यार, हम फिर खड़ा करेंगे यार। चाचा हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सर। यार तुम लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हे, कला को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मलेशिया वाले स्टूडियो में जाके पेंटिंग करोगे? ये सीडी 10,000 pounds पर मंथ बनूंगा। ये मैंने तुम्हें ये ऑफर इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारी जोड़ी मुझे अच्छी लगती है। पर एक बात है, डील तो मारूंगा ना तुम लोगों को, पेंटिंग तुम्हारी, नाम मेरा, और हाँ चार दिन निकलना होगा। Is it okay? Sure, we'll go. Thanks so much for the offer. God bless you both. अरे बोलिए ना। अरे बस करो यार, हम इस नॉन टैलेंटेड आर्ट माफिया में शामिल नहीं होना चाहते। तुम्हें पाउंड्स में उलझना उलझो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे बस। और वैसे भी अब पेंटिंग के नाम पर, आर्ट के नाम पर जब हम नंगी औरत बनाएंगे तो उसमें तुम्हें हमारा प्रवर्जन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका तुम्हें पैसा मिलेगा। नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम मी। ये बड़े शहर की बड़ी बड़ी बातों से आप हमारी छोटी छोटी खुशियां मत छीनिए। जस्ट शट अप। छा क्यों क्यों सेट अप रहे, क्यों सेट अप रहे, हमें बताइए क्यों सेट अप रहे, बताइए। पेंटर बनने आए थे हम, लेकिन तुम्हारे भद्दे मजाक की वजह से हमने पेंटिंग ही छोड़ दी। तो दुनिया में यही काम बचा है क्या? दुनिया वाले काम करने के लिए ना दुनिया वालों से दुनिया वालों के टाइम पे मिलना पड़ता है, लेकिन यहाँ की तो बात ही कुछ और है। रात को जागते रहो लोगों की तरह और सुबह सोते रहो बुड़बकों की तरह। तो मेरी वजह से आप निकम्मे हो गए। हाँ तो घर में रहकर भी क्या कंट्रीब्यूट कर दिया तुमने? क्या नाउ डोंट से कि तुमने खाना बनाया, क्योंकि वो तुमने इसलिए बनाया क्योंकि वो खाना तुम्हें खाना होता था। वो तुम्हारा ब्लडी सत्तू का पराठा, लिट्टी चोखा और वो पता नहीं क्या सब बकवास खाना। एंड माइंड यू, जो पराठे तुम बैठकर तोड़ते हो ना उसका सत्तू मेरे पैसे से आता है। जिंदगी भर तुम्हें बैठाकर पालने का ठेका नहीं लिया था मैंने। क्या कहा? पालने का ठेका? आज इतनी बड़ी बात बोल दी, अब हम एक मिनट भी यहां नहीं रहेंगे और तुम्हारी एक एक पाई करके हम सारी उतार देंगे। जा रहे हैं। ओ पाई पाई, पहले शर्ट उतार के जा जो मेरे पैसे से आई है। चल। इतना गुरूर नहीं चाहिए, ये ये ले। पैंट भी सब मेरे पैसे से आया है। पागल हुई हो क्या? अब मानव के घर नंगे बदन जाएंगे। नंगे होगे ना तभी दुनियादारी की समझ आएगी तुमको बच्चू। बच्चू ये ले, ये ले। लाइट माय फायर। अब ढूंढ लो अपनी फायर लाइट करने वाला, ना ढूंढ लो। अब राजन झा तुम्हारी फायर को लाइट नहीं करेगा। जा रहे हम। हाँ जा ना। ठीक है जा। ये नाइटी दे। क्या? ये तो हमने दिलवाई थी ना 3 महीने पहले तुम्हारे बर्थडे पे। झा जस्ट शट अप एंड लीव। मानव से पैसे उधार ले। झा जस्ट लीव। देना देना। नो बचाओ बचाओ। देना अश्लील आदमी। निकलता है या लगाओ 100 नंबर पे फोन। मिला दो 100 नंबर पे फोन, क्योंकि हम तो कहीं पे फोन मिला नहीं सकते है ना, हमारे लिए तो कोई नंबर है ही नहीं। जा रहे हम। और तू तू काम ही नहीं, नहीं। तू बहुत बड़ी, तू वर्ल्ड की सबसे बड़ी, तू मिस, तू ग्रेट। जा जा रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं कामिनी, हम जा रहे हैं फुल एंड फाइनल। हाँ हम फुल एंड फाइनल जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, कहा जा रहे हैं? आज के बाद हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे कभी भी।